हमीरपुर में सांसद अनुराग ठाकुर ने कांग्रेस पर जुबानी हमला किया। उन्होंने बरठी में भाजयू युवाओं के सम्मेलन में युवाओं को संबोधित करते हुए कहा कि मोदी के भय से जिस तरह अपना गढ़ छोड़ने पर मजबूर हुए हैं, उसी तरह आपको बता दें कि हमीरपुर से खबर है जहां पर अनुराग ठाकुर ने ये बयान दिया है। उन्होंने आतंकवादियों से तुलना की है कांग्रेस के नेताओं की। उन्होंने कहा कि जैसे सेना के डर से आतंकवादी अपना कैंप छोड़कर भाग जाते हैं, ठीक वैसे ही राहुल गांधी ने अपना ठिकाना छोड़ा है और वायनाड से चुनाव लड़ रहे हैं। आप दुनिया भर का इस मौके पर मोदी के डर से पाकिस्तान के बालाकोट में आतंकवादी कैंप छोड़कर भाग गए, लेकिन मोदी के डर से अब तो राहुल गांधी भी अमेठी छोड़कर भाग गए। अब वो भी जाकर साउथ इंडिया के वायनाड में चले गए। आप इतिहास देखिए, चाहे इंदिरा जी हो, सोनिया जी हो या राहुल गांधी जी हो, जब जब इनको लगा कि उत्तर प्रदेश से चुनाव हारने वाले हैं, ये सब लोग दक्षिण भारत चले गए। ये पहला संकेत कांग्रेस पार्टी ने दे दिया कि कांग्रेस की तंबू उखड़ने वाला है और मोदी 400 पार करके सरकार बनाने वाला है।